हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीर्ति एक बहुत ही सीधी और सिंपल लड़की थी, जिसकी शादी एक अनुज नाम के लड़के से हो जाती है और नई नई शादी करके वो अपने ससुराल आती है, जहां वो अपनी सास अंजनी को देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि अंजनी को स्टंट करने का बहुत शौक था, जिसके चलते वो अपने सभी कामों को स्टंट के तरीके से ही करती। एक रोज सुबह के समय कीर्ति रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी उसकी सास अंजनी वहां आती है और कीर्ति को नॉर्मल तरीके से पराठे बनाते हुए देखकर कहती है, बहू तो ये क्या कर रही है, तुझे पराठे बनाना नहीं आता क्या? ऐसे थोड़ी ना बनाते हैं पराठे। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं, मैं तो पराठे ठीक ही बना रही हूँ, ऐसे ही तो बनते हैं। पराठे सही बना रही है बहू, लेकिन बस पराठे बनाने का तरीका गलत है, थोड़ा सा बोरिंग है। तू स्टंट जानती है? स्टंट नहीं माँ जी, मैंने तो स्टंट सिर्फ फिल्मों में ही देखा है लोगों को करते हुए, असलियत में तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि मुझे स्टंट करने का बहुत शौक था, लेकिन मिडिल क्लास की होने की वजह से सबकी सोच भी मिडिल क्लास ही थी, इसलिए किसी ने मुझे सीखने ही नहीं दिया। तब से मैं हर काम को स्टंट के तरीके से करती हूँ। अभी तुम देखो कैसे मैं पराठे को भी स्टंट के तरीके से बनाती हूँ। अंजनी इतना कहकर अपनी बहू को साइड में करते हुए खुद ही पराठा बनाना शुरू कर देती है, और पराठे को पलटते टाइम चिमटे का इस्तेमाल करने की जगह उसे तवे की मदद से हवा में उछाल कर पलटती है, जिसे देखकर उसकी बहू कीर्ति दंग रह जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ये कैसे किया आपने, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी। कोशिश करके देख एक बार, कोशिश करने से बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है, तो ये फिर भी रसोई में किया एक छोटा सा स्टंट है। ना माँ जी ना, मुझसे नहीं होगा आपका स्टंट, आपको ही मुबारक हो ये स्टंट। मुझे नाश्ता बनाने दीजिए, अनुज जी का ऑफिस जाने का समय हो रहा है, वरना तो वो मुझ पर गुस्सा ही करेंगे। बहू इतना भी कोई बड़ा काम नहीं है, पराठे को हवा में उछालकर पलटना है, तो एक बार करके तो देख, बहुत आसान है। अपनी सास अंजनी के बार बार कहने पर कीर्ति भी अपनी सास की तरह पराठे को तवे की मदद से हवा में उछालकर पलटने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो पराठा हवा में उछलकर तवे पर गिरने की जगह कीर्ति के हाथ पर गिर जाता है और उसका हाथ जल जाता है, जिस पर वो जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसका पति अनुज वहाँ आता है और उसे रोते देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो और इतनी जोर से क्यों चिल्लाई, पता है मैं कितना डर गया था। अनुज जी चिल्लाओ ना तो क्या करूं, देखिए गरम गरम पराठे से मेरा हाथ जल गया, बहुत दर्द हो रहा है। पराठे से हाथ जल गया? तुम पराठे बना रही थी या उसे खेल रही थी जो अपना हाथ जलाकर बैठ गई? अनुज जी ये सब माँ जी की वजह से हुआ है, अब ये चुपचाप खड़ी है। मैं तो अच्छा खासा पराठे बना रही थी, तभी माँ जी आई और पराठे को स्टंट के तरीके से हवा में उछाल कर बनाने लगी, मुझे भी बनाने को बोला, लेकिन मेरा पराठा आकर सीधा मेरे हाथों पर गिर गया और मैं जल गई। यार एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? मेरी माँ के अंदर नहीं है, मुझे समझ में आता है, इसीलिए वो हमेशा स्टंट के चक्कर में पड़ी रहती है। इस उम्र में किसी दिन अपने हाथ पैर तुड़वा लेंगी, बस उसी दिन शांति मिल जाएगी इन्हें। लेकिन तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा तुम आओगी तो इन्हें समझाओगी, लेकिन तुम तो खुद ही शुरू हो गई। मैं तुझे पागल दिखाई देती हूँ? अब बताओ यही दिन बाकी रह गया था कि मेरा बेटा मुझे पागल बोले। माँ मैं आपको पागल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस उम्र में ऐसे बिना मतलब वाले स्टंट करना ठीक नहीं है, कहीं चोट लग जाएगी तो आप भी परेशान होंगी और हम भी। आप सही कह रहे हैं अनुज जी, मैं ना आगे से ध्यान रखूंगी, इस बार के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे हाथ पर दवा लगा देता हूँ। अनुज इतना कहकर कीर्ति को लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, समय के साथ कीर्ति की सास अंजनी की हर बात पर स्टंट करने की आदत कम होने की जगह और बढ़ जाती है, जिसे देखकर कीर्ति और अनुज बहुत परेशान हो चुके थे। वो कई बार अंजनी को समझाने की कोशिश करते, लेकिन अंजनी के ऊपर अपनी बहू बेटी की बातों का असर ही नहीं था। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है, तभी एक रोज अंजनी की पड़ोसन शांति और अंजनी हॉल में बैठकर बातें कर रही थी, तभी कीर्ति उनके लिए चाय नाश्ता लेकर वहां आती है और कीर्ति के हाथों में चाय की ट्रे देखकर अंजनी अपनी पड़ोसन से कहती है, शांति चाय की ट्रे देखकर मुझे एक बहुत अच्छा स्टंट याद आ गया, तू कहे तो मैं तुझे करके दिखाऊं, सच में बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे मैंने सुना है कि तू बहुत अच्छा स्टंट करती है, तू घर के सारे काम भी स्टंट करके ही करती है। बहू तो कितनी किस्मत वाली है ना कि तुझे स्टंट करने वाली सास मिली है,
तेरा मनोरंजन तो घर पर ही हो जाता होगा। आंटी जी, वो तो मुझे ही पता है कि स्टंट करने वाली सास पाकर मैं खुश हूँ या दुखी। माँ जी, आपको कोई भी स्टंट करने की जरूरत नहीं है, आप ना चुपचाप बैठ कर सिर्फ चाय पीजिए। बहू तू क्यों मना कर रही है अपनी सास को, करने देना स्टंट, जरा मैं भी तो देखूं अंजना के स्टंट। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कहने दे बहू को, वो बस थोड़ा डरती है इसलिए बोल रही है। मैं तुम्हें अभी चाय की ट्रे को अपनी एक उंगली पर घुमाने वाला स्टंट दिखाती हूँ। अंजनी इतना कहकर अपनी बहू के हाथों से चाय की ट्रे अपने हाथ में लेकर जैसे ही अपनी उंगली पर रख कर घुमाती है, ट्रे समेत सारी चाय जमीन पर गिर जाती है, जिस पर शांति हंसते हुए कहती है, क्या बात है अंजनी, क्या स्टंट है, सच में आज से पहले मैंने ऐसे स्टंट कभी नहीं देखा। लेकिन स्टंट में तेरा बहुत नुकसान हो गया, ट्रे टूट गई, कप टूट गया, ऊपर से चाय पीने को भी नसीब नहीं हुई। शांति, सच में मैं ये स्टंट बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मैं सच में इस ट्रे को अपनी उंगलियों पर घुमा सकती हूँ। वो तो मैंने अभी देखा, खैर कोई बात नहीं, हो जाता है, जाने दो। माँ जी बस बहुत हो गया, अब अपना ना स्टंट का भूत ना उतार ही दीजिए, इससे घर की सभी चीजों को बहुत नुकसान होता है, घर की चीजें टूटती हैं तो नई आ जाती हैं। लेकिन अगर इस उम्र में आपके स्टंट के चक्कर में कहीं आपकी एक भी हड्डी टूट गई ना, तो जुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ अंजनी, सच में बहुत सही कह रही है, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये स्टंट वंट करना छोड़ दे, वरना बिना बात के चोट चपेट लग जाएगी। चलो अब मैं घर चलती हूँ, बहुत काम है। शांति इतना कहकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन सबके इतना समझाने के बाद भी अंजनी की आदतों में कोई सुधार नहीं था। ऐसे ही एक रोज अंजनी सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उसे अचानक से सीढ़ियों में गैप करके कूदने का स्टंट याद आता है, और वो जिस सीढ़ी पर खड़ी थी वहाँ से कुछ सीढ़ियों को छोड़कर लास्ट वाली सीढ़ी पर कूद जाती है, जिसके कारण वो पीठ के बल गिरती है। तभी वो जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर अनुज और कीर्ति भागते हुए वहाँ आते हैं, और अंजनी को जमीन पर अपनी कमर पकड़े बैठे देखकर अनुज कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई, और आप ऐसे जमीन पर क्यों बैठी हुई हैं, आप ठीक हैं? गधे, ठीक होती तो जमीन पर कमर पकड़कर थोड़ी ना बैठी होती, सीढ़ियों से कूदने का स्टंट कर रही थी और गिर गई। जल्दी डॉक्टर को बुला, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अपनी माँ को तकलीफ में देखकर आगे बिना कुछ बोले अनुज जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए इनकी कमर की हड्डी में बहुत गहरी चोट आई है, इनको 3 महीने का बेड रेस्ट करना बहुत जरूरी है और प्रॉपर दवाई करवानी पड़ेगी, वरना ये कभी सीधी नहीं हो पाएंगी। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अनुज अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ आपने सुन लिया ना डॉक्टर ने क्या कहा, आपको बहुत शौक लग रहा था ना स्टंट करने का, अब आप बेड पर से पैर भी नीचे नहीं रख सकती हैं, बताइए क्या फायदा हुआ ऐसे बेवजह का स्टंट करने से, मैंने आपको कितना समझाया था, हर चीज उम्र के हिसाब से अच्छी लगती है। अपने बेटे और डॉक्टर की बात सुनकर और अपनी हालत को देखकर अंजनी को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो अपने बेटे बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है, साथ ही उनसे दोबारा फिर कभी स्टंट ना करने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।